कुसमुंडा पुलिस ने बुधवार को क्षेत्र के कोयला खदान से 6 चोरी के आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 420 लीटर डीजल बरामद हुआ है। चोरी के इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया है। उन्होंने बोलेरो के शीशे में मिट्टी लगा दिया था ताकि बाहर से भीतर का नजारा कोई देख ना पाए। चोरों के इस अनोखे तरकीब से पुलिस भी हैरान नजर आ रही है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता ओम गभेल की यह ग्राउंड रिपोर्ट। थाना कुसमुंडा परिसर में खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे एक जीप है जिसमें आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जीप जो डीजल चोर है वो यूज करते हैं, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा, ये देखिए किस तरह से डीजल चोर इसमें मिट्टी का लेप लगाए हुए हैं कांचों से ताकि उनकी सूरत शक्ल ना दिखे। और ये जो जीप है ये 2004 मॉडल इसका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, इसका जो नंबर है, इस जीप के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है और मिट्टी का लेप, जो मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, मिट्टी का लेप इसमें लगा हुआ है, मिट्टी से लोग लेप लगाए हैं गाड़ी में। और पूरी गाड़ी देखिए किस तरह से गाड़ी कहाँ पे रहती है, कहने का तात्पर्य यह है कि डीजल चोरी में ये गाड़ी प्रयुक्त हो रही है, ठीक है, इसके बावजूद भी ये गाड़ी सड़क पे चलती है, कोई किसी तरह का इसको आरटीओ पुलिस किसी खौफ नहीं है, बिना नंबर की गाड़ी है, गाड़ी पूरी आपराधिक। आज ये लोग डीजल चोरी कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जो आनंद नगर में हत्याकांड हुआ था तो वो कहीं ना कहीं इसी छोटी छोटी अपराधों से बढ़ता हुआ एक ऐसा बड़ा अपराध में तब्दील हो गया जिसको पुलिस नहीं रोक सकी। ये उसी प्रकार के लोग हैं, आरोपी हैं, 6 आरोपी जिन्हें पकड़े हैं वो पूर्व में भी डीजल चोरी में संलिप्त थे और आज गाड़ी सहित वो पकड़ा है। हालांकि इसको पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है और माननी भी चाहिए क्योंकि डीजल चोरी की शिकायत लगातार मिलती रही है।